बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सनमण। व्यक्त रूप में राम नारायण यादव जी, आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावो माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज कल जो है दिनेश बाबा की पुण्यतिथि थी और आज गृहपति की इच्छा हुई कि जाने के पहले उनके घर की शुद्धिकरण के हेतु एक सत्संग किया जाए, तो मैं इनकी इच्छा को रखते हुए मैं एक सत्संग कर रहा हूँ। और पाठ मैंने अभी सत्संग योग चारों भाग से कराया है, तो पाठ की व्याख्या रखने की कोशिश करूँगा। और ये नहीं कहता कि मेरी ही व्याख्या अंतिम व्याख्या है, बहुत सारी इसकी व्याख्या हो सकती है और ज़्यादा हमसे ज़्यादा समझने वाले और भी कुछ बता सकते हैं, परंतु जो मैं समझता हूँ वो है कि जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जो मन से मनन नहीं किया जाता परंतु मन जिससे मनन करता है। मन का काम है मनन करना। मन का काम है मनन करना। मनन क्या होता है? मनन दो होते हैं, एक संकल्प करना और एक विकल्प करना। ठीक है, यह संकल्प और विकल्प होता क्या है इसको ठीक से समझिए, शांति से सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। मन संकल्प और विकल्प क्या होता है? संकल्प होता है जैसे अभी हम यहां पर बैठे हैं, मन करता है यहां रहे, फिर मन करता है यहां से चले जाए, दो बात होती है। मन करता है कि सत्संग करें, मन करता है कि सत्संग नहीं करें। ठीक है, जैसे अभी हमारा भोजन आया, मन किया कि रसगुल्ला खाएं, मन किया कि रसगुल्ला नहीं खाएं। तो मन किया कि रसगुल्ला खाएं, मन किया कि सत्संग करें, मन किया कि रुकें, ये संकल्प है। और मन किया कि रसगुल्ला ना खाएं, मन किया कि सत्संग ना करें, मन किया कि नहीं रुकें, ये विकल्प है। जो सोचे हैं उसका इतर भी एक बात आती है, वो विकल्प है। ठीक है, तो मन जिससे मनन नहीं करता बल्कि मन जो मन से मनन नहीं किया जा सकता परंतु मन जिससे मनन करता है वही ब्रह्म है। हम जो संकल्प और विकल्प करते हैं ये अपने से नहीं करते, ब्रह्म जैसा चाहता है वैसा और संकल्प और विकल्प हम लोगों से करवाता है। ये बात समझे? अगर अब बोले कि ऐसा क्यों है कंट्रोलिंग पावर ब्रह्म, अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगा, आपके मन से परमात्मा को भक्ति करानी है, परमात्मा का आपके मन पर शासन है ये नहीं है, तो आपके मन से भक्ति कराएगा कैसे? देश की जनता से सरकार को कुछ कराना है परंतु सरकार का देश की जनता पर नियंत्रण है ही नहीं, तो सरकार इससे काम कराएगी कैसे? करा सकेगी? सरकार को कोई पावरे नहीं है तब तो। ब्रह्म को ये पावर है कि मन को संकल्प और विकल्प जैसा चाहे करवा सकता है। इसलिए अगर साधु किसी के मन को बस में कर दे तो उसको बस में करके जो चाहे वो करवा सकता है, क्योंकि साधु क्या होते हैं, संत क्या होते हैं? शरीरधारी परमात्मा ही होते हैं संत, और साधु संत से नीचे की कड़ी होते हैं। ये परमात्मा बनने वाले होते हैं, वो परमात्मा बन गए होते हैं। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। बात को समझे जो हम कहें? ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब बड़ी भारी हानि की है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। इसी जन्म में ब्रह्म को जानना है
इसी जन्म में जानना है। ये कौन सा जन्म है हम लोग का? मनुष्य शरीर का जन्म है। मनुष्य शरीर में जैसे हम 50 के हो गए या 75 के, जो भी जिस उम्र के जो भी हुए, अब शेष जो बचा उतने ही ने समय बचा, जो बीत गया सो बीत गया, वो तो बात गई, ठीक है। उसी जो शेष समय बचा है उसी में ब्रह्म को जानना है। यदि इस बचे शेष जीवन का आप ब्रह्म की उपासना में नहीं लगाते हैं, जीवन को नहीं लगाएंगे, तब आप बहुत बड़ी हानि कर दिए। तो बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। ब्रह्म को खोजने के लिए बहुत सारे साधु महात्मा तत्पर रहते हैं, बहुत सारे साधु हैं। एक साधु हैं बौसी जिला के, वो गुरुशरण बाबा के शिष्य हैं। उनका नाम है, यहाँ का नाम था सिकंदर बाबा, वहाँ पर नाम है स्वरूपानंद बाबा, हिमालय पर रहते हैं। घर से भिक्षा लेकर चले गए हैं, पारिवारिक थे, बाल बच्चेदार थे, भाई को सारी संपत्ति दे दी, बोले कि बच्चों का शादी करा देना, मुझे भिक्षा दे दो, और निकल गए और हिमालय पर ध्यान करते हैं। उनको किसी भक्त ने कुटिया दे दिया है, भक्त लिखना चाह रहे थे, बोला हम लिखा उखा के क्या करेंगे, जब तक ध्यान करते हैं रहने दीजिए, नहीं करेंगे तो आपकी फिर हो जाएगी। 15-10 दिन तक एक ही थोड़ा सा भूंजा खा लिया और ध्यान कर रहे हैं। ठंडे के दिन में जमीन पर सोते हैं, वहाँ पर माइनस कितना 8-10 या 15 डिग्री रहता है तापमान। ठंडे के दिन में जमीन पर सोते हैं, तपस्वी हैं, पारिवारिक थे, बाल बच्चेदार थे, 2-3 बाल बच्चा था, बौसी के, आप ही के बगल के, और इतनी अच्छी समाधि लगाते हैं कहिए मत। कभी हुआ शरीर को कुछ थोड़ा सा आहार दे दिए, नहीं तो नहीं दिए, मतलब महीनों बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि हमको क्या लेना देना, प्रवचन में भी उनकी रुचि नहीं है, केवल साक्षात्कार करते हैं। तो वो इस जन्म में ब्रह्म को जानने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, और हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन के बचे शेष क्षण को परमात्मा की उपलब्धि में लगा देना चाहिए। दूसरी बात रहा आजीविका, कहाँ कमी हुआ। हम तो यहाँ पर सबके घर में सत्संग करें, किसी को तो पैसा तो नहीं दिए हैं कि मेरी व्यवस्था करो। अरे हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लोगों को समझ में आता है कि सही काम कर रहा है, इसलिए इसमें सहयोग कर डालो। उसी तरह से आप भी ध्यान भजन का काम करेंगे, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, दीक्षा आपकी हो गई है, किसी संसद गुरु को पकड़ लेना है, उसके सानिध्य में ध्यान करना है, आप ध्यान करने लगेंगे, सबको समझ में आ जाएगा कि ये संसार छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, पूरी दुनिया आपका साथ कर देगी। कितने लोग कहते हैं घर घर सारा काम उन छोड़ छाड़ के इसमें लग जाएंगे तो परिवार कौन चलाएगा, बच्चा कौन चलाएगा। अरे सबका, जैसे परमात्मा सबको पैदा किया है तो उसकी व्यवस्था करता है, जो परमात्मा की भक्ति भी करता है उसको सब कुछ देते हैं लोग, तो हम लोग तो देखें सबको सफलता मिलती है। जो शरीरों में शरीर रहित और अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो शरीरों में शरीर रहित है, आत्मा क्या है, शरीर में है परंतु शरीर से पृथक है, जैसे दूध में घी है परंतु घी दूध से अलग भी है। खाली दूध खोजे में घी खोजेगा मिलेगा, मत के निकालिएगा तब ना। तो उसी तरह शरीर में आत्मा है, इसको शरीर के अंदर ध्यान करके आप खो सकते हैं, परंतु शरीर से यह रहित भी है और अनित्यों में नित्य है। जो जो अनित्य है, जैसे शरीर अनित्य है, ये नित्य परमानेंट तो नहीं है, इम्परमानेंट है, तो यह जो शरीर है यह खत्म हो जाएगा परंतु आत्मा खत्म नहीं होगी। सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो व्यक्ति इस आत्मा को जान जाता है, आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक सभी जगह व्याप्त, सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह व्याप्त, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, और ऐसा कोई जगह जहाँ वो नहीं, हर जगह आत्मा है। एक गाना हम लोग सुनते थे, मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ। आत्मा हर जगह है, सर्वव्यापक है, और इस आत्मा को जान लेने के बाद कोई शोक नहीं करता, शोक ही समाप्त हो जाता। हम शोक करते हैं, मोह करते हैं, क्यों, मेरा कोई प्रियजन मर गया, हम मोह करने लगते हैं, हमारा पुत्र मर गया, हमारी पुत्री मर गई, हमारी माता मर गई, हमारे पिता मर गए, और हमें शोक होता है। परंतु अगर आत्मा को जान लेंगे हम, तो आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्मती है, जो मरेगा नहीं उस पर शोक क्या होगा, होगा वो तो शोक का विषय ही नहीं है। परंतु जो आत्मा को नहीं जानता है
उसके लिए शोक की बात हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान आत्मा को जान करके, सर्वव्यापक आत्मा को जानने के बाद शोक रहित हो जाते हैं, शोक से पृथक हो जाते हैं। आगे है, यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। वेद के अध्ययन के द्वारा हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारण शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। यह आत्मा बहुत सारा वेद को पढ़ना या बहुत सारी बातों को सुनने से भी परमात्मा आत्मा का नहीं प्राप्त किया जा सकता। आत्मा आत्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा आत्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति आत्मा जो अपने आत्मा को खोजने में लग जाता है, आत्मा अपने को उसके पास व्यक्त करती है, परंतु जो उसकी खोज करता ही नहीं है, आत्मा की खोज करने के लिए हमें जो जो कदम उठाने चाहिए, करने चाहिए, वो हम नहीं करेंगे तो फिर हमको आत्मा प्राप्त नहीं होगी। परंतु जो आत्मा की खोज करता रहता है उसको यह आत्मा मिलती है, आत्मा अपने को वहाँ व्यक्त करती है ना। जैसे कोई परमात्मा को खोज रहा है, परमात्मा नहीं मिलेगा। हमारे घर में कुछ रुपया हमने रखा था, उसको हमने रखा था, हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा रुपया, मिल जाएगा। तो आत्मा हर शरीर में परमात्मा ने बसाया है, शरीर के बाहर भी आत्मा है। यदि उसको ठीक से हम खोजेंगे तो वो आत्मा अपने को व्यक्त कर देगी, और आत्मा आत्मा के द्वारा ही खोजी जा सकती है ना। आगे है, वेद अध्ययन हम बहुत सारा करते रहे। एक लड़का है जमुनोत्री में, बहुत सारे वेद उपनिषद एकदम रट लिया है। तो जो ये भ्रम ज्ञान है, जैसे हम सारे वेदों को रट लें, सारा वेद का श्रवण करने लगे। आजकल तो ये आ गया सी डी यू डी में सब वेद सब है। उससे आप कहिएगा कि बहुत सारा हम आत्मा पर प्रवचन सुन लें। प्रवचन से तो कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रवचन और कैसेट में अंतर है। कैसेट में भी वेद की वाणी बताई जाती है, प्रवचनों में बताया जाता है, लेकिन कैसेट में योगिक शक्ति का अभाव रहता है। और सत्संग में जो होता है, जो साधु बैठ के प्रवचन करते हैं, उनकी योग की शक्ति से सेवा होती है जीवों की। और हमसे बड़े साधु के पास जब हम सत्संग करेंगे तो उनकी शक्ति से मेरी सेवा होती है ना। तो इस तरह से होती है। इसलिए सत्संग में और थोड़ा सा अध्ययन श्रवण में अंतर है। तो सत्संग के श्रवण को इसलिए अच्छा कहा गया है कि सुनते 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 साधुओं की बात को मन पलटता है। बाका में एक आशीषानंद बाबा थे, तो आशीषानंद बाबा को मैं बरसों तक उनकी जमीन पर, जैसे भी आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, उसी तरह मैं छट्टी पर उनके पंखा से उनको झेलता रहता था और सुनता था। तो सुनते 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 इतनी बात समझ में आई कि बाद में हमने निर्णय कर लिया। हमने गायक होने का प्रयास कर रहे थे कि उसको छोड़ करके हम केवल महात्मा का ही काम कर लेंगे। अगर वो हमको ठीक से सुनाते नहीं सत्संग की बात, तो हम महात्मा हो ही नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य से वो गुरुजी हमारे शरीर में अब नहीं है। यह आत्मा प्रवचन द्वारा अर्थात अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित कैसे होने योग्य नहीं है। न मेघा यानी ग्रंथ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है। यह आत्मा प्रवचन द्वारा या अनेक वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त नहीं होगा। वेदों को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रवचन सुन रहे हैं, इससे यह आत्मा मिलने वाली नहीं है। बहुत सारे आप मेघा आपका मन बहुत मेघा मतलब कि तेज है, तो उससे भी यह नहीं प्राप्त होगा। ग्रंथ अध्ययन से भी नहीं होगा, न केवल बहुत सा श्रवण करने से भी नहीं होगा। तो ये किससे प्राप्त किया जा सकता है? यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, वह वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा या आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है। यही कहा, जिस आत्मा हमको मिली है, उसी आत्मा के द्वारा ही इस आत्मा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहा कि जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह उसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा आत्मा को प्राप्त कर रहे, चित्त मेरा अशांत है, तो अशांत चित्त से आत्मा को हम ग्रहण कर सकेंगे? संभव है। चित्त ईगो कहते हैं चित्त को, चित्त हुआ कॉन्शसनेस, ईगो तो अहंकार हुआ कॉन्शसनेस। तो जो अगर मेरा कॉन्शसनेस जो है अशांत है ना, शांत चित्त के हम नहीं हैं, तो हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा।
क्योंकि आत्मा को का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त को शांत करना पड़ता है। चित्त शांत कैसे होता है? योग की प्रक्रिया के द्वारा, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ। पाप क्या है? पाप पांच हैं। संतमत में, संतमत सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं ना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचारी, इन ये पांच महापाप हैं। यही पैमाना है कि अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं तो आप पापी नहीं हैं। तो जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, कहने का मतलब जो झूठ बोलना नहीं छोड़ा, जो चोरी करना नहीं छोड़ा, जो नशा करना नहीं छोड़ा, हिंसा, जो मारपीट, मारना पीटना काटना नहीं छोड़ा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचारी, जो बुरे बुरे भाव मन में आते हैं, व्यभिचार करने हैं, ये सब जो नहीं छोड़ा, तो वो जो पाप, इन पांच महापापों से जो निवृत्त नहीं हुआ, वो आत्मा को नहीं जान सकेगा। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, इंद्रियां कितनी है? इंद्रियां 14 है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, ये कर्म इंद्रियां हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, और कर्म हो गया, ज्ञान इंद्रियां क्या हो गया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, तो 14 हुआ। तो इंद्रियां के बारे में क्या कहा कि इंद्रियां शांत नहीं है। ये सारी इंद्रियां अगर शांत नहीं है तो इस आत्मा को हम नहीं समझ सकेंगे। और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकेगा। असमाहित, अशांत चित्त वाला व्यक्ति, जिसमें ट्रैंक्विलिटी नहीं है, स्टिलनेस नहीं है, पीस नहीं है, वैसा व्यक्ति ये परमात्मा या आत्मा को नहीं समझ सकेगा, उसके लिए असंभव है। फिर आगे कहा कि अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निंद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। अज्ञान निंद्रा से जागो और ज्ञान, ये ज्ञान का विश्वविद्यालय में मिलता है क्या? परमात्मा संबंधी ज्ञान, साक्षात्कार का ज्ञान पूरे विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है। विश्वविद्यालय पढ़ने पढ़ाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाती है, परंतु परमात्मा संबंधी ज्ञान किसी तपोनिष्ठ योगी, साधु, ऋषि, महात्मा, संत के पास ही होता है। इसने ये नहीं कहा कि विश्वविद्यालय में जा करके एडमिशन लेकर के परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा नहीं कहा। इसने कहा कि अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निंद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये श्रेष्ठ पुरुष होते कौन है? ये श्रेष्ठ होता है कंपेरेटिवली आपसे जो ज्यादा जानता है, तुलनात्मक रूप से आपसे जो जानता, ज्यादा जानता है परमात्मा, वो साधु होते हैं। और साधु से ज्यादा संत जानते हैं, और संत से ज्यादा परम संत जानते हैं। संत अब नहीं मिल रहे हैं, हमको तो भी नहीं दिख रहे, इसलिए साधु के चरण में ही हम लोग जाते आते हैं। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा ही दुर्लभ बताते हैं जैसे छुरे की धार होती है, चाकू, जैसे आप लोग किचन में चाकू का प्रयोग करते हैं, उसकी धार जो होती है बहुत कठिन होती है, तो उस पर चलना जितना कठिन है, उसी तरह से आत्मा संबंधी ज्ञान को जानना भी बहुत कठिन है ना। फिर आगे है कि जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय और रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी परे और ध्रुव निश्चल है, उस आत्मतत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छुट जाता है। मृत्यु के मुख में सभी लोग समाहित होते हैं। और कल का जो सत्संग हुआ है, क्यों हुआ है? मरने के दिवस के ऊपर हुआ है। तो हम मृत्यु से कैसे छूटे, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, इस समस्या को तो कोई सरकारी स्तर पर इस समस्या को बड़ा माना जाता ही नहीं है। कोई सरकार भारत में, चाहे कोई, कितने कितने राज्य हैं, 20-25 राज्य है ना, कितना राज्य है भारत में, जो भी हो, है 24 राज्य हैं, ये राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार इस बात को मानती है कि मृत्यु के मुख से जनता को कैसे निकाला जाए, उसके लिए कुछ काम करती है? नहीं करती है। जो लोग उसको करते भी हैं उस काम को, उसमें उसका किसी भी प्रकार का सहयोग ही नहीं रहता है। भारत में तो है कि कम से कम तटस्थ रहती है सरकार, चाइना में तो जो सहयोग करने जाता है, ये सब काम कराने जाता है, उसको सरकार बांध करके बाहर कर देती है, या तो जेल में डाल देती, तो और बर्बाद देश है। फूलन दफा या फालुन दफा करके एक धार्मिक संप्रदाय है, चाइना में था, उसको चाइना की सरकार ने खदेड़ के धर्मगुरु को बाहर भगा दिया। कहता है अरे गुरु सब नई सरकार चलाना शुरू कर दिया, सरकार तो हमारी ये नया कुल सरकार चलाता है, पहले इसको खदेड़ के भगा दो।
वो बेचारा वहाँ से भाग के अमेरिका में शरण लिया। लगभग सुनते एक 150 या 200 देश में वो अपना केंद्र खोल करके अमेरिका से चला रहा है, वहाँ निर्वासित जीवन जी रहा है। उसके बम्बे केंद्र वाले हमसे संपर्क किए थे, तो वहाँ की तो अदुर्गति है। तो छोड़ो, तो उन लोग का तो संस्कार ही नहीं है, वो तो मांस मछली खाने वाले सब देश वाले हैं। भारत तो संस्कार वाला है ना, यहाँ तो करोड़ों महात्मा हैं। तो यहाँ कोई सरकार मृत्यु से मुक्त से निकालने के लिए जो साधु महात्मा जो भी क्रियाकलाप बताते हैं उसमें सरकार का कोई सहयोग है? आप सत्संग करा रहे हैं, आपके घर से पैसा लग रहा है, सरकार कुछ दे रही है आपको? अच्छा, नहीं दे रही है। अपनी सुविधा भी कुछ दे रही है क्या? अपना समर्थन भी कुछ दे रही है क्या? नहीं दे रही है। तब जो सबसे बड़ा काम है उसमें किसी का समर्थन ही नहीं है, जो सबसे छोटा काम होता है उसमें समर्थन देगा? आत्मा संबंधी बात करने वाला धर्म और दर्शन विभाग, इसको करोड़ों करोड़ रुपये सरकार देती है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार करने वाले विभाग के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं है। लो, जो सबसे जरूरी काम है वो करवे करेगा सरकार, जो सबसे गैर जरूरी है उसी में उसको विश्वास है। तो ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मूर्खता नहीं है। आत्मा संबंधी बात करेगा, परमात्मा संबंधी बात करेगा, ईश्वर संबंधी बात करेगा, उस पर हर प्रोफेसर को 1.5 से 2 लाख रुपया दे देगा। और जो व्यवहारिक प्रोफेसर होता है, जो सीधे आत्मा का साक्षात्कार करता है और आत्मा दूसरे को भी साक्षात्कार करवाता है, उसके लिए सरकार के पास कोई फंडे नहीं, तो भीख मांग के खाओ। लो, उसको भक्तों पर आश्रित कर दिया, अब भक्त को पैसे नहीं है। लो, ये समस्या हो गई ना। तो सरकार को ये बुद्धि देनी चाहिए साधुओं को कि जो तुम समस्या का समाधान छोटी छोटी बातों पर इतना पैसा लगा कर का काम करा रहे हो, सीधे एक बड़ी बात को करवा लो। उसी दिन सारी जिसका मोक्ष सध जाता है, कहने का मतलब ये चौथा संबंध गुमन है, चौथा पुरुषार्थ में से अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें कि अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और सीधे मोक्ष की कोई तैयारी कर लेगा तो पीछे के 3 पुरुषार्थ तो अपने आप ही पीछे से जुड़ जाते हैं, है ना? अपने आप जुड़ जाते हैं। तो कहा कि उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मूर्ति के मुख से छूट सकता है जो अशब्द है। आत्मा अशब्द, अशब्द स्वरूप वाला है, जो अस्पर्श है, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा का कोई रूप नहीं होता, फॉर्म जिसको कहते हैं, फॉर्म। फॉर्म किसका होता है? जैसे कोई रूप है, किसी ढांचे के नीचे कोई रूप होता है, जैसे इसका ये आकार है, इसका एक फ्रेम है और फ्रेम के भीतर इसका आकार है। अब जिसका फ्रेम ही नहीं है उसका आकार क्या होगा? वो फॉर्मलेस है। आत्मा अरूप है, अव्यय और रसहीन है। आत्मा में कोई रस, रसगुल्ला में जैसे रस होता है, मीठा होता है, नमक में नमकीन होता है, ऐसा आत्मा में कोई रस नहीं होता है। नित्य है, गंध रहित है, वो परमानेंट है। परमानेंट और इम्परमानेंट को समझिए। हमारा शरीर परमानेंट है कि इम्परमानेंट है? इम्परमानेंट है। आत्मा परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है। तो हम इस शरीर के द्वारा आत्मा को खो सकते, ये इम्परमानेंट आत्मा को खोजते खोजते परमात्मा में मिल सकता है, ठीक है? तो इसलिए इम्परमानेंट शरीर, इम्परमानेंट अस्थाई शरीर हमें दिया गया है वो अस्थाई आत्मा को खोजने के लिए। परंतु इसको हम इससे खोज ना करके, अपने शरीर में आत्मा ना खोज करके, इसमें मांस मछली मुर्गा शराब दारू इसमें दफना देते हैं, शरीर के अंदर इसको कब्र खाना बना देते हैं। ये हमारी गलती है, और हम साधुओं का ये कर्तव्य होता है कि हम जो गलती कर रहे हैं हम अपना भी सुधार करें और आपको भी संकेत देते चले कि ये चीज़ आपको अपने में सुधार करना है। जो अनादि अनंत महातत्व से भी पर, वह अनादि है। अनादि जिसका बिगनिंगलेस, जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, जिसकी की शुरुआत नहीं हुई है, जिसका शुरू होता है वही अंत होता है। जो शुरू ही नहीं होगा उसका अंत कैसे होगा? हम महात्मा हैं, क्यों है महात्मा? महात्मा क्यों बनना पड़ा? क्योंकि पहले हम महात्मा नहीं थे, इसलिए हमको महात्मा बनना पड़ा। अगर पहले महात्मा होते ही तब तो होते ही थे ही थे, बनने की क्या आवश्यकता थी? नहीं थी ना। तो हमने कह दिया कि पहले चूंकि हम दुरात्मा थे इसलिए हमको महात्मा बनना पड़ा, उन बुराइयों को हटाने के लिए। अगर पहले से महात्मा थे ही तो बनने की क्या आवश्यकता थी? हम गोरे थे ही तो फिर गोरे होने की क्या आवश्यकता थी? गोरे तो पहले से ही थे हम, है ना? काले रहते तब ना गोरे होने की बात सोच सकते थे। तो उसी तरीके से चूंकि हम पहले महात्मा नहीं थे, बुराई थी, हम अपने संदर्भ में नहीं कर रहे, सबके संदर्भ में कर रहे हैं, हम में बुराई थी, उन बुराइयों को हटाने के लिए हम अच्छाई की तरफ बढ़े और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए हमें महात्मा बनना पड़ा। जैसे हम प्रकाश मंडल में थे ही
अंधकार मंडल में थे तो मुझे प्रकाश में जाने की आवश्यकता हुई, परंतु अंधकार मंडल में हम नहीं होते, प्रकाश में होते ही तो फिर प्रकाश में जाने की क्या आवश्यकता होती? अगर हम मंच पर होते ही तो मंच पर आने की क्या आवश्यकता होती? क्योंकि मंच पर कुछ देर पहले नहीं थे इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, अगर पहले से विद्यमान रहते तो यहाँ आना नहीं पड़ता। ठीक है, अनंत या अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होता, एंडलेस, इसका कोई अंत नहीं होता कि आज आत्मा है कल आत्मा खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आत्मा कभी से अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहेगी, ये आत्मा है। और महातत्व से भी परे और ध्रुव निश्चल है, और उस आत्मतत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु के मुख में हम तब तक जाते रहते हैं जब तक हम आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते। आत्मा के स्वरूप को जानना क्यों आवश्यक है? आत्मा के अतिरिक्त इधर जिधर भी है, जितना भी चीज है, सब का सब इम्परमानेंट है, आज है कल नहीं रहेगा। कबीर साहब का एक ग्रंथ है शब्द सागर, पहले हम जब गवैया थे तो बहुत गाते थे उस ग्रंथ को। धरती लोग वाले तो हम लोग इम्परमानेंट है ये हैं, दिनेश बाबा का इम्परमानेंट शरीर चला गया, उसी उपलक्ष्य पर ये आज सत्संग है, कल का सत्संग था, इम्परमानेंट शरीर के जाने पर हुआ है, आत्मा के जाने पर ये सत्संग नहीं हुआ है। आत्मा तो न कभी आई थी न गई है, इम्परमानेंट शरीर के जाने पर सत्संग हुआ है, वह है ना। तो हमारा ये कहना है कि हम लोगों को, अगर हम आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे, तब हमें अनात्मा अनित्य की तरफ जाना पड़ेगा और मृत्यु के मुख में समाते रहना पड़ेगा। और गुरु महाराज की वाणी है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में आना और संसार से जाना, ये सबसे बड़ा दुख बताया है। ये सार बात और को बताते हैं, यूनिवर्सिटी वाला बताएगा आपको, यूनिवर्सिटी बताएगा कि डिलीट आप नहीं कर सके तब आप दुखी हो जाइएगा, कहा कि प्रोफेसरी तो आपको मिलेगी नहीं, यही उसको दुख समझ में आता है। अरे वो एक दुख है, सबसे बड़ा दुख है माता के गर्भ में रहना, 9 महीना जो रहते हैं उसमें सर नीचे रटकर रहता है, सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, पेशाब और पैखाना मांगता रहता है, 9 महीना तक जीव उसमें चिल्लाता रहता है परमात्मा मुझे इस कालगृह से निकालो, वो सबसे बड़ा जेल है। हम बार बार कहते हैं जब परमात्मा ने एक सबसे बड़ा जेल बना ही दिया तो सरकार को और अलग से जेल बनाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि सरकार यहाँ धर्म के आधार पर चलने वाली सरकार ही नहीं है। हम आपको सिद्ध करके बतलाएंगे कि कैसे जेल की आवश्यकता नहीं, जेल एक तो बन ही गया है। सबसे बड़ा जेल होता है माता का गर्भ। जब तक जीव का निर्वाण नहीं होता है तब तक उसी माता के गर्भ में जीव आता रहता और जाता रहता और दुखों को भोगता रहता है। वो 9 महीना जो जीव माता के गर्भ में रहता है वहाँ पर अपने बुरे कर्मों को याद करता है, जो जो पिछले जन्मों में किया है, और चिल्लाता रहता है, बिलखता रहता है, उस जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं होता है। इसी बात पर मैंने एक बार कह दिया, कोई अंबानी हो, अडानी हो, बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, सबके सब खरबपति नीलपति हैं, ये कहेंगे कि माता के गर्भ में हमारे पास तो इतना पैसा है, जरा गर्भ को बड़ा कर दिया जाए, कहे कि 9 महीना रहने में बड़ा दिक्कत होता है, हो जाएगा क्या? उसकी औकात है? अंबानी कह जाए, अंबानी की मृत्यु हो जाए, माता के गर्भ में चला जाए, बोलेगा कि मेरे पास तो खरबों रुपया था, हम रुपया दे के जरा गर्भ को बड़ा करवा लेंगे, औकात है उसकी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये कोई महायोगी ही ऐसा कर सकते हैं, कोई महायोगी रहेंगे तो वहीं पर परमात्मा को प्रकट कर लेंगे, गर्भ में ही कर लेंगे। जैसे सुनते हैं राजा परीक्षित जब गर्भ में थे तो भगवान कृष्ण वहां गर्भ में आकर के उनकी रक्षा करते थे। वहां कोई पैसा काम देता है? माता के गर्भ में काम देता है? बोलिए, नहीं देता है। उद्योगपति फेल हो गए ना, चाहे मंत्री जी का ऑर्डर जाएगा कि माता के गर्भ को जरा बड़ा कर दिया जाए, प्रशासन को मैंने आदेश कर दिया, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये न मंत्री कर सकते हैं, न उद्योगपति कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो कोई बड़े योगी ही कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि इसीलिए साधु बड़ा होता है मंत्रियों से, उद्योगपतियों से भी, इस संदर्भ में होता है, हर संदर्भ में नहीं होता है, उसके अलग अलग संदर्भ होते हैं। जहां काम आवे सुई, कहां कहे तलवार, जहां सुई का काम है वहां तलवार की क्या आवश्यकता है? तो आगे का पाठ अब देखिए कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। स्वयंभू परमात्मा ने हमारी इंद्रियां जो है, इंद्रियां कौन कौन है? 14, हाथ पैर मुख गुदालिंग, आंख नाक
और आंख नाक कान जीवा त्वचा, हम उस समय पहले इंद्रिय की गलत बोल दिए थे, रूप रस गंध स्पर्श सब नहीं था, आंख नाक कान जीवा त्वचा हाथ पैर मुख गुदा लिंग मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये सब के सब बना दिया परमात्मा ने स्वयंभू ने बहिर्मुख, ये सब बाहर की तरफ निकलते हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर ये बाहर में रहना परमानेंट होता तब तो ये बाहर निकलते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बाहर में रहना इम्परमानेंट होता है, ये संसार है अभी है, जब तक शरीर है तभी तक ये संसार है, शरीर से सफाया संसार का भी सफाया हो गया। अभी आप लोग के बीच में हम बैठे हैं, हमारा भी बटन ऊपर से दब जाए, कॉल आ जाए, आपका भी आप भी ओझल हो जाएंगे, शरीर भी ओझल हो जाएगा, और कहाँ जाएंगे, ये तो मेरा कर्म कहाँ ले जाता है इस पर निर्भर करता है, और परमात्मा मुझे कहाँ रखते हैं इस पर निर्भर करता है। तो आत्मा परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसीलिए वे बाहर ही देखती है, इंद्रिया हमेशा बाहर की तरफ देखती है, अंतरात्मा को नहीं, अंतरात्मा की तरफ इंद्रिया जाती ही नहीं है, आंख आत्मा को देखने का प्रयास नहीं करती है। तब कोई कोई वीर अमृतत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करता है। परंतु जो अपने गुरु महाराज ने दृष्टि योग बताया है, दृष्टि योग में बाहर देखने कहा है नहीं कहा है, आंख बंद करके दोनों दृष्टि धारों को जोड़ो, बिंदु पर जोड़ने का प्रयास करो, वहां पर प्रकाश का उदय होगा, उस प्रकार उसमें परमात्मा के शब्द होंगे, उस शब्द को पकड़कर तुम परमात्मा की तरफ बढ़ोगे। अब हम जब यह प्रश्न करते हैं कि आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच को दृष्टि धारों को जोड़ो, तो लोग कहते हैं क्या पागल है क्या, आंख बंद करके कोई देखा जाता है, आंख खोल खोल के पूरी दुनिया देख रही है, नया पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, बोलता है कितना आदमी, ये आंख मुंद करके कहीं देखा जाता है, आंख खोल के पूरी दुनिया देखती है, कौन नया बुद्धि पढ़ाने लग गया। बोले कि हाँ ये बहुत बड़ी बुद्धि है संत मत की, ये बुद्धि सबको पता नहीं है। संत मत की साधना में दृष्टि योग में क्या करते हैं हम लोग, दोनों आंख को बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद दृष्टि धारों को नयनाकाश के अंदर गगनाकाश में जोड़ते हैं। ये विद्या सभी देश में प्राप्त ही नहीं है, कितने कितने लोग जब ये कर नहीं सकते हैं तो कहते हैं तो ध्यान उन करना सब गलत है, तो सतयुग की बात है, वो सीधे ध्याने से पंगा मार के निकल जाते हैं। अरे जो वीर होता है वो युद्ध भूमि में रहता है, और जो कायर होता है वो भाग के दूसरा रास्ता बोलने लगता है। बाहर में कहीं भी परमात्मा नहीं मिलता, हम बता दिए, 2 खरब बरस तक भी आप जप करते रह जाएंगे बोल बोल के परमात्मा नहीं मिलेगा। 18 बरस तक हम जप करके देख लिए हैं, किसी के कहने पर नहीं कह रहे हैं, हम जप करके देखे परमात्मा नहीं मिला, तब आपको बोले, आपको पछताना पड़ गया था। प्रारंभिक कुछ सिमटाव होता है, प्रारंभिक कुछ सिमटाव होता है, समझे ना। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप में अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उसके बाहर भी है। जैसे कि कोई वायु है, एयर है, हवा है, उसको साइकिल के ट्यूब में डालिए तो साइकिल के ट्यूब जैसा हो जाएगा, मोटरसाइकिल के ट्यूब में उसको भरिए मोटरसाइकिल के ट्यूब का आकार का हो जाएगा, कार के ट्यूब में उसको डालिए तो कार के ट्यूब के जैसा आकार हो जाएगा, चक्का का आकार का हो जाएगा, जैसे जगह पर डालिएगा वैसे हो जाएगा। उसी तरह से आत्मा जिस जिस के जिस जिस में प्रविष्ट होती है उसी के स्वरूप वाला वो बन जाती है, और उसके अलावा भी वो तो स्वरूप के अंदर ही है और स्वरूप के बाहर भी इसके अतिरिक्त भी वो आत्मा है। आगे कहा कि यहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, ना यह विद्युत ही चमकती है, फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। अब देखिए, एक्सटर्नल लाइट एंड इंटरनल लाइट, ये बात है। एक सूर्य जो ऊपर से उग रहा है, एक तारा जो ऊपर से उग रहा है, एक चांद जो ऊपर से आसमान में, सब उग रहे हैं, ये बाहर के हैं। आत्मा के बारे में कहा, इसको ठीक से समझने की बात है कि यह जिस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, सूर्य मतलब यह सूर्य जो बाहर का सूर्य है वो प्रकाशित नहीं होता, वो तो सूर्य स्वरूप वाला ही है। जैसे कि हमारे घर में लाइट तो आप तब न लगाइएगा जब हमारे बॉडी में लाइट नहीं हो, जब हम लाइट स्वरूपे के हो जाएंगे तो अलग से बल्ब और ट्यूब लगाने की क्या आवश्यकता है।
तो आत्मस्वरूप जो है, आत्मा तो प्रकाश स्वरूप वाली ही होती है, उसके लिए अलग से सूर्य को वहां अलग सरकारी जो एक बल्ब लगा हुआ है, सूर्य क्या है, परमात्मा का लगाया हुआ एक बल्ब है ऊपर का, है ना, यह अलग से बल्ब होल्डर लगाने का कोई जरूरत नहीं है आत्मा में, वो पहले से प्रकाश स्वरूप वाली ही है। यह कैसे प्राप्त होगा, जब आप तमसोमा ज्योतिर्गमय की साधना करेंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, तो ही आत्मा का सूर्य रूप वाला आत्मा है, और भी अंदर में आत्मा है, वह आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं उगते चमकते हैं। अलग से जो आसमान में चंद्रमा और तारे परमात्मा ने लगाए हैं ना, रात्रि में चंद्रमा होता है उसका हम दीदार करते हैं, तो आत्मा में अलग से चंद्रमा चंद्रमा तारा नहीं रहता, वही उसी स्वरूप वाला ही रहता है, ना विद्युत ही चमकती है, वहां कोई बिजली नहीं चमकती, फिर वह अग्नि की तो बात ही नहीं है, वहां आग भी नहीं है, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है। आत्मा के प्रकाश से ही यह सब सूर्य तारा लाइट चंद्रमा सब चलता है, इसी के ये हेडक्वार्टर उसका विद्युत ग्रिड उसका आत्मा ही है ना, वो सब छोटा छोटा ये है आपका बिजली ऑफिस है ना, इन सूर्य को तारे को चंद्रमा को जहां से प्रकाश मिलता है वही आत्मा है। यदि इस देह के इस देह में उसके पतन के पूर्व ही ब्रह्म को जान लिया, बंधन से मुक्त होता है, यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। क्या कहे, यदि इस देह में इसके पतन के पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। शरीर खत्म होने के पहले ही ब्रह्म को जान लेना चाहिए। देवी साहब कहते थे कि कब्र में जाने के पहले मोक्ष प्राप्त करो, लेकिन मोक्ष प्राप्त आप करेंगे कैसे, माया में रहकर, यही पति पत्नी भाई भतीजा इसी चक्कर में, ये सब तो परिवार क्या है सही से। देखिए हम एक साधु हैं, और साधु हैं तो थोड़ा कटु होता है लेकिन सत्य बोल देते हैं, ये मोह एक सद्विकार है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मद मोह में से एक मोह नामक एक सद्विकार है, इसी सद्विकार मोह नामक सद्विकार का विस्तार है परिवार। संसारी दृष्टिकोण से तो ये सही प्रतीत होता है, परंतु परमार्थ में जाएंगे इस सद्विकार पर साधुओं ने पहले ही रोक लगा दी, और गृहस्थ बाद में ध्यान सीखते सीखते लगाते हैं, ठीक है, ये मोह का विस्तार है, आपको लगता है कि मेरे अपने हैं, होते कोई नहीं है। गुरुदेव सुनो तुम मेरी, मैं चरण शरण हूँ तेरी, फिर कहा दुनिया स्वार्थ की चेरी, ये दुनिया है ये संसार है, सब अपने अपने स्वार्थ के साथी होते हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए, पत्नी माता बहन भाई पिता सब अपने अपने स्वार्थ के होते हैं, इसलिए